आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ नियॉन लाइट इफेक्ट। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक तो यूनिट सेटअप चेक कर लो कि कौन सा यूनिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कस्टमाइज में जाओ, यहाँ पे आपको यूनिट सेटअप दिखेगा, तो यहाँ पे आपको रखना है mm, मिलीमीटर से यहाँ पे सेट कर लेना। सिस्टम यूनिट सेटअप भी mm होना चाहिए। सो यहाँ पे ओके कर दो, यहाँ पे ओके कर दो। देन आपको यहाँ पे सेट करना है फ्रंट व्यू, शॉर्टकट की है F, या फिर व्यू क्यूब में से भी आप यहाँ पे व्यूज़ सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जाना है क्रिएट में शेप्स, यहाँ पे आपको लेना है लाइंस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करके स्ट्रेट लाइन के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे नॉर्मली कर्व क्रिएट करना रहेगा तो शिफ्ट को छोड़ के आपको नॉर्मल लाइन क्रिएट करना है। अगेन स्ट्रेट, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस जा रहा है लाइन। ओके, ये शेप क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टेक्स, वर्टेक्स लेके आप यहाँ पे क्रॉस सिलेक्शन कर सकते हो। क्रॉस सिलेक्शन किया को एक एक वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, कंट्रोल ए किया तो ऑल वर्टेक्स सिलेक्ट होगा। उसको राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉर्नर्स ले लेना और यहाँ पे रख देना वर्टेक्स। नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, यहाँ पे जो भी हम लोग शेप क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हम लोगों को लेना है लेथ, लेथ सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे जो वेल्ड कोड ऑप्शन है उसको ऑन करना है। उसका जो सेगमेंट आएगा वो 32 होना चाहिए, एंड उसका जो अलाइनमेंट है वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो आपको ये वाला शेप यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगेन वर्टिकल फ्रंट व्यू सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं F3 कर देती हूँ वायर फ्रेम के लिए। या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टाइल क्या रखना है वो भी सेट कर सकते हैं, या फिर उसको शॉर्टकट की भी आता है F3। अगेन मैं लाइंस ले रही हूँ और इधर से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसको फिर से मॉडिफाई में जाके वर्टेक्स ले लो। तो यहाँ पे भी जो हम लोगों का वर्टेक्स दिख रहा है उसको भी कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इसको भी कॉर्नर्स होना चाहिए और वर्टेक्स होना चाहिए। अगेन इसको मैं लेथ में लेके जा रही हूँ लेथ। इसका भी जो डायरेक्शन आएगा वो सॉरी अलाइनमेंट जो आएगा वो मिनिमम रहेगा, और उसको यहाँ पे सेट करना है सेंटर में। ओके, F3 से फिर से मैं रियलिस्टिक व्यू में जा सकती हूँ। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करना है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, शेप्स में आपको दिखेगा टेक्स्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को सेट करना है अगेन फ्रंट व्यू। यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो हम लोगों को क्या करना है, 100 रखने का। तो आप पहले भी सेट करके रख सकते हो साइज़, या फिर बाद में भी उसको सिलेक्ट करके साइज़ सेट कर सकते हो। 100 रखा, यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना है 3, और यहाँ पे हम लोगों को रेंडरिंग ऑप्शन दिखेगा। रेंडरिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे एनेबल इन रेंडर ये वाला ऑप्शन को, एनेबल इन रेंडर और एनेबल इन व्यू पोर्ट ये दोनों ऑप्शन को ऑन करना है, और इस पर आपको रखना है, यहाँ पे जो आपको साइज दिख रहा है वो 25 होना चाहिए, इसका जो थिकनेस है वो 3 होना चाहिए। टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने का। यहाँ पे जो हम लोग ने टेक्स्ट अप्लाई किया उसको सिलेक्ट करके मैं अगेन मॉडिफाई में जा रही हूँ, और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं शेल। यहाँ पे जो आउटर शेल दिख रहा है उसको आपको रखना है 1, और इसका सेगमेंट्स भी 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, ये जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक करके कॉपी कर रही हूँ। कौन सा एक्सेस में, एक्स एक्सेस में। यहाँ पे आप कॉपी में ही कॉपी करो, इसको ओके कर दो। टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे अप्लाई करो डी, कैपिटल डी।
ओके नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना का है, यहाँ पे जो हम लोग ने टेक्स्ट अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट करने का, राइट क्लिक करने का, यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में जाने का, और यहाँ पे आपको लेना है एज, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है ये वाला पोर्शन को और इसको डिलीट करना है। सेम यहाँ पे हम लोग जो डी थ्री को अप्लाई किया है उसको भी वैसे ही सिलेक्शन करने का और उस पर आपको क्या करने का, डिलीट करने का। सो अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट जो है उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे जो थ्री करके टेक्स्ट दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करो, यहाँ पे ले लो एजेस और यहाँ पे इन पोर्शन को सिलेक्ट करो, प्रॉपर सिलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे अल्ट का यूज़ कर सकते हो और सिलेक्शन को ऐड करने के लिए कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी डिलीट किया, ओके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शेप्स में ही एक लाइन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वायर फ्रेम रख देते हैं F3 करके, और यहाँ पे से लाइन को कनेक्ट करके ये जो शेप है उसके साथ कनेक्ट करना है, अगेन यहाँ पे लाइन क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करने हो, जितना भी हम लोग ने अभी इरेज किया एजेस को उसको क्या करना है, उधर से लाइन क्रिएट करके इसके साथ कनेक्ट करने का है। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लाइन का जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगेन लाइन में जाओ, रेंडरिंग ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे जो थिकनेस है उसको थोड़ा कम कर दो, इसको भी सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके रेंडरिंग में यहाँ पे जो थिकनेस आ रहा है वो कम करो, ओके यहाँ पे F3 करो अगेन रियलिस्टिक व्यू के लिए, तो यहाँ पे आ गया है, ओके नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोग टॉप व्यू सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको क्रिएट में यहाँ पे ज्योमेट्री में जाना है और उस पर आपको दिखेगा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेन, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मल एक प्लेन सरफेस क्रिएट करना है, उसको सिलेक्ट करके अगेन राइट क्लिक करके क्या करना, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तो यहाँ पे आपको लेना है एजेस, यहाँ पे जो हम लोग दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट में एजेस, उसको आपको क्या करना है, क्रॉस सिलेक्शन करना है, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट, तो आपको कहाँ पे जाना है, कनेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सेगमेंट दिख रहा है वो 1 रखना है और इधर से आपको उसका डिस्टेंस अप्लाई करना है, इसको ओके कर देना, यहाँ पे जो टॉप एंड बॉटम वाला एजेस दिख रहा है उसको सिलेक्शन करो, क्रॉस सिलेक्शन, उसको भी इधर से कनेक्ट करो और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू रखना है डिस्टेंस रखना है वो रख देना, इधर से उसको यस करो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेंगे और पॉलीगॉन से ये जो हम लोग ने अभी कनेक्ट करके एजेस क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रूड का, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रूड, यहाँ पे हम लोग अमाउंट रखेंगे 500, इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो भी हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है तो उसको हम लोगों को मटेरियल्स अप्लाई करना है, मटेरियल के लिए आपको शॉर्टकट की क्या है M, यहाँ पे मटेरियल ले सकते हो या फिर मेन टूल बट्स में से भी आ जाता है यहाँ पे मटेरियल एडिटर, यहाँ पे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे पहले जो हम लोगों का फर्स्ट मटेरियल दिख रहा है इसको सिलेक्शन कर लेती हूँ, डिफ्यूज में जाके यहाँ पे ग्रे शेड में जो कलर्स आता है उसको सिलेक्शन करके ओके कर देना और
ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, और यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। ओके नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट अप्लाई किया उसको लाइट्स का इफेक्ट देना है, तो आपको क्या करना है, सेकेंड मटेरियल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो वीरे एमटीएल दिखता है उसको क्लिक करना है, और यहाँ पे लेना है वीरे लाइट मटेरियल, इसको ओके कर देना। ये मटेरियल को कॉपी कर सकते हो आप राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगेन राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो कॉपी में। आपको यहाँ पे क्या कलर्स अप्लाई करना है लाइट्स के लिए, तो कलर्स में जाके इधर से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसका भी यहाँ पे कलर सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको ऑन जो ऑप्शन है दिख रहा है उसको ऑन करना है, और यहाँ पे जो सब डिवीजन आएगा उसको 16 में रखना है, सेम यहाँ पे भी करना है। एंड जो हम लोगों ने टेक्स्ट अप्लाई किया, फर्स्ट जो टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट करके मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मटेरियल टू है उसको असाइन करो और यहाँ पे शो करो। सेम सेकेंड मटेरियल को भी सिलेक्ट करो, इधर से असाइन करो और सिलेक्ट करो। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे F3 करके वायर फ्रेम आएगा, तो वायर फ्रेम में जाके एक बार चेक कर लो। यहाँ पे अगर आपको एजेस नहीं दिखाना है तो इधर से क्लिक करके एजेस फेस को ऑफ कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप कुछ भी फ्लोरिंग का इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नन करके एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, बिट मैप पे जाना है, और आपका जो भी मटेरियल का इमेजेस रहेगा वो कहाँ पे सेव है उस फोल्डर से आपको क्या करने का, जो भी मटेरियल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करने का। ओके यहाँ पे आप गो टू पेरेंट कर सकते हो। अगर मटेरियल में आपको कुछ भी ग्लॉसीनेस वगैरह दिखाना है तो यहाँ पे आपको कितना ग्लॉसीनेस चाहिए, तो मैं 0.9 रख देती हूँ। यहाँ पे भी चेंजेस करो, और ये जो रिफ्लेक्ट है उसको थोड़ा लाइट कलर रखो। ओके तो फ्लोर को सिलेक्ट करने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में से पॉलीगन ले लो, और ये जो फ्लोर को वाला पोर्शन दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके इधर से असाइन मटेरियल करो, यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल्स कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो भी फ्लोरिंग का इमेजेस था वो अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना रेंडरिंग करके एक ऑप्शन दिखेगा, रेंडरिंग में आपको यहाँ पे जाना है एनवायरमेंट में, यहाँ पे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे ऐड करना है लेंस इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट को आपको क्या करना, ओके करना है। नीचे जो आपको लेंस इफेक्ट्स पैरामीटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ग्लो ऑप्शन को ऑन सिलेक्ट करना है, और इधर से उसको ऐड करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस दिखेगा, ऑप्शंस में आपको जाना है, यहाँ पे मटेरियल आईडी करके एक ऑप्शन है इसको ऑन कर देना, और यहाँ पे फाइ कर दो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे रेंडर सेटअप। तो रेंडर सेटअप का शॉर्टकट किया था F10, या फिर आप मेन टूल बार्स में से भी इसको ऑन कर सकते हैं रेंडर सेटअप को। तो क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो आपको एरिया टू रेंडर दिख रहा है, और ये व्यू होना चाहिए, आउटपुट साइज जो है वो HDTV वीडियो होना चाहिए। यहाँ पे वीरे करके ऑप्शन आएगा, वीरे में जाके आपको यहाँ पे जो रेंडर सेटअप है वो चेक करना है। तो यहाँ पे हिडन लाइट्स लाइट्स जो दिख रहा है उसको ऑफ कर दो। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेंडर सेटअप का जो विंडो है उसको क्लोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर कैमरा व्यू से चेक करना रहेगा तो कैमरा को प्लेस कर सकते हो, या फिर प्रस्पेक्टिव व्यू में भी अगर आप इसका रेंडर निकालते हो तो भी चलेगा। रेंडर करने के लिए शिफ्ट क्यू करो। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को जो लाइट का इफेक्ट है वो भी दिख रहा है, और हम लोग ने जो फ्लोर का इमेजेस अप्लाई किया वो भी दिख रहा है, फ्लोर में जो हम लोग ने ग्लॉसीनेस अप्लाई किया वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे आपको रेंडर यहाँ पे दिख रहा है, रेंडर हो गया।
सो ये वाला जो लाइट्स है आप ये सीलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो। रेंडर कंप्लीट होने के बाद आप ये वाला इमेज को सेव करो यहाँ पर। तो सेव इमेज में जाके कहाँ पे सेव करना है, सेव एस टाइप क्या रखना है, जेपीजी या फिर पीएनजी, उसका फाइल नेम क्या रखना है वो सेट करो। 10 उसको सेव कर दो। थैंक यू सो मच।